इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु A है। अब A से जो यहां पर स्पर्श रेखा ड्रा की है उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है। ओके, तो यहां पर आपको दिया क्या है, ओ वृत्त का केंद्र तथा एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहां पर आपको दिया है कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके, साथ ही ओ ए आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर और एपी 4 सेंटीमीटर। और अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ओपी की लंबाई ज्ञात करनी। ओके, अब देखिए कि ओपी और पी एक दूसरे पर समकोण होते हैं, तो ओपी समकोण है एपी पर। कारण दे दीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, अब यहां पर इसका हल कर देते हैं। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी से, ओ ए पी से क्या होगा कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि ओ पी स्क्वेयर प्लस पी ए स्क्वेयर बराबर ओ ए स्क्वेयर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहां से देखिए कि ओपी हमें फाइंड आउट करना, तो ऐसे कैसा कर दीजिए, पी ए है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वेयर और ओ ए 5 है 5 का स्क्वेयर। तो यहां से ओ पी स्क्वेयर बराबर 5 का स्क्वेयर 25 और 4 का स्क्वेयर 16, तो 25 माइनस 16 ये आ जाएगा 9। ओके, इसमें एक स्टेप और कर लेना, ओ पी स्क्वेयर बराबर 5 5 25 और ये -16 9 आ जाएगा। अब ये करनी है तो इसका मतलब ओ पी बराबर 9 का रूट हो जाएगा, क्योंकि यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्ग मूल लगेगा, और इसका मतलब ओ पी बराबर 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। ये 3 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ जाएगी, आंसर है। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब आगे प्रश्न नंबर 7, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहां पर देखिए हमें 2 संकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। संकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि 2 वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, सेम हो, एक ही हो।
तो देखिए छोटे वृत्त का केंद्र भी यही है और बड़े वृत्त का केंद्र भी यही है, इसलिए दोनों वृत्त क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब ये कहता है कि संकेंद्रीय बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की जीवा, सॉरी छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ये चीज यानी ये लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, अब हमें दिया ये है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है तथा पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके, अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई। ओके, अब इसका हल करते हैं। हल में देखिए कि यहां पर हम क्या करेंगे, ओ ए तथा ओ पी को मिलाएंगे, ओ ए तथा ओ पी को मिलाया, ओ ए तथा ओ पी को मिलाया तो त्रिभुज ओ ए पी में, देखिए समकोण त्रिभुज है, ओ ए समकोण है ए पी की, क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पहले ये लिख देना इतना इतना कि ओ ए ए पी पर समकोण है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके बाद हम लिखेंगे समकोण, अपनी ये लाइन लिख के फिर ये लिखना है, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में ए पी स्क्वेयर यानी आधार का स्क्वेयर प्लस लंब का स्क्वेयर बराबर ओ पी स्क्वेयर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब आधार आपने एक बार ज्ञात करना है तो ए पी को ए पी रखो, प्लस ओ ए तीन, तीन का वर्ग बराबर ओ पी पांच, पांच का वर्ग, तो ए पी स्क्वेयर प्लस नौ बराबर 25 और ए पी स्क्वेयर बराबर 25 माइनस 9 16 हो जाएंगे। इसका मतलब ए पी जो है, ए पी का स्क्वेयर 16 है तो ए पी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ए पी 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 गुणा ए पी। क्यों, क्योंकि अब एक बार अगर हम छोटे वृत्त को भूल जाएं तो वो बड़े वृत्त का केंद्र भी तो है, अगर बड़े वृत्त के, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो उसे समद्विभाजित करता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे
समद्विभाजित करता है। ओके, तो पी क्यू क्या है, दो गुणा ए पी यानी दो गुणा चार, 8 सेंटीमीटर जो है वृत्त की जीवा आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। आगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 8 देखिए कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखिए चित्र के माध्यम से समझाता हूं आपको कि जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, इसके परिगत, परिगत का मतलब चारों ओर इस तरह से टच करती हुई एक ए बी सी डी चतुर्भुज दी गई है। तो अब हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी प्लस सी डी यानी इन दो भुजाओं का योग बराबर ए डी प्लस बी सी इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। तो चलो एक बार इतना लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या है, दिया है, दिया तो आपको ये है कि ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए कि अब इसका प्रमाण या प्रूफ, उपपत्ति बोलते हैं इसको, प्रमाण भी बोल सकते हो। ओके, क्या है, अब देखिए कि ए पी ए एस के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है और ये दोनों बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। कि हम लिखेंगे कि ए पी बराबर ए एस, कारण दे दो यहां पर, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ओके, इसी तरह, इसी तरह से क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी इज ए बी प्लस सी डी, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, तो ए बी के क्या पार्ट बना दिए हमने, ए पी, ए पी को लेफ्ट में रखो, ए पी बराबर ए एस, फिर ए बी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी पी, बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगी, क्योंकि बाह्य बिंदु अगर ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी तो ये लंबाई इसके बराबर, तो बी पी बराबर बी क्यू। अब ये बाह्य बिंदु है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो डी आर बराबर डी एस, इसी तरह से सी आर बराबर सी क्यू। तो पहले ये ले लेते हैं सी आर बराबर सी क्यू और डी आर बराबर डी एस,
ओके, इसको समीकरण एक कह देते हैं, इसे दो, इसे तीन और इसे चार। ओके, अब समीकरण एक, दो, तीन और चार को जोड़ने पर समीकरण एक, दो, तीन व चार को जोड़ने पर क्या होगा? अब देखिए, समीकरण लिखते टाइम ध्यान रखें कि एपी में एबी में क्या है, एपी और बीपी, ये एपी और बीपी दोनों लेफ्ट साइड में है। उसके बाद हमें लेफ्ट में क्या, सीडी में क्या है, सीआर और डीआर, सीआर और डीआर लेफ्ट में है। अब जोड़ करेंगे तब दिक्कत नहीं होगी, फिर चारों को जोड़ने पर क्या होगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। ओके, अब एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी और सीआर प्लस डीआर कह दो या आरडी कह दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू एएस एएस प्लस डीएस, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, एएस प्लस डीएस, बी क्यू और सी क्यू इनको इकट्ठा लिख दो, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी ए बी के बराबर हो गया, सी आर प्लस डी आर सी डी के बराबर हो गया, ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर, हैंस प्रोट। ओके, अब आगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 9। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एक्स ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। अब इस चित्र के माध्यम से स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए कि यहां पर ये केंद्र ओ है, इस केंद्र वाला जो है ये एक वृत्त आपको दिया हुआ है। ओके, इस वृत्त पर ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं और एक तीसरी स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को बिंदु ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए कि ए ओ बी यहां पर एक ट्रायंगल बन जाती है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो कोण है ए ओ बी यानी ये वाला जो कोण है ये कोण 90 डिग्री का है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। एक बार फिर से कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी है, तीसरी स्पर्श रेखा से बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनती है उसमें जो कोण बन रहा है ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो एक रचना करेंगे जिसमें हम ओ और सी को आपस में मिला देंगे। ओके, तो इससे पहले लिखते टाइम हम क्या करते हैं, एक तो सिद्ध कर दिया है आपको, दिया क्या है यहां से लेके यहां तक क्यों कहें लिख दो, और सिद्ध करना है उसमें ये यहां से यहां तक ये क्या है सिद्ध करना है। ओके, अब इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण उत्पत्ति प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं।
मर्जी है आपकी। अब पहले तो हम यहां से ए सी ओ ये वाले ट्रायंगल और ए पी ओ ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम सिद्ध करेंगी। सिमिलरली ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगी। पहले स्टेप में ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध करनी है। तो त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ पी में एपी बराबर एसी, एपी बराबर एसी, एपी बराबर एसी क्यों है? क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके, दूसरा ओ पी बराबर ओ सी क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर ओ ए बराबर ओ ए है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब देखिए क्या हुआ कि इस भुजा के बराबर ये भुजा है, इसके बराबर ये है, और ये कॉमन होगी तो दोनों ट्रायंगल भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम होगी। त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ पी की। अब देखिए कि त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ पी के, ए ओ सी ए ओ पी के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, क्योंकि बाई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इसका मतलब कोण पी ए सी, कोण पी ए सी। तो यहां से देखिए कि कोण पी ए सी जो है सी ए ओ का डबल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये जब ये बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो वो एक का डबल हो गया। तो कोण पी ए सी बराबर दो कोण सी ए ओ। अब इसी तरह से ये वाली त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगी। अगर ये सर्वांगसम होगी तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कोण सी बी ओ किसके बराबर होगा? कोण क्यू बी ओ के बराबर। कोण क्यू बी ओ बराबर है कोण सी बी ओ के। अगर ये कोण बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि कोण क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी बराबर सी बी ओ का डबल होगा।
कोण टू सी बी ओ का, यानी ये पूरा कोण इस अंदर वाले का डबल होगा। ओके अब देखिए कि कोण क्यू बी सी प्लस कोण पी ए सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण। ओके QBC बराबर दो कोण CBO और PAC दो कोण CAO बराबर 180। दो कॉमन आ जाएगा, C कोण CBO प्लस कोण CAO बराबर 180 डिग्री, कोण CBO प्लस कोण CAO बराबर ये दो इधर जाकर के डिवाइड होगा तो 90 डिग्री। कोण CBO, कोण CBO यानी ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, कोण CAO, कोण CAO यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल कितना है? 90। तो ये तीसरा कोण जो बच गया, त्रिभुज का तीसरा कोण जो बच गया, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब कोण AOB प्लस कोण CBO प्लस कोण CAO बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब कोण ए ओ बी प्लस इसको समीकरण एक का नाम दे दो, इन दोनों का टोटल कितना? 90। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 90 साइड ले जाकर के माइनस कर दो 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव।